फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी ब्रोकली की सब्जी। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए होगी कटी हुई ब्रोकली, आलू मैं यूज कर रही हूँ, कटी हुई गाजर, पालक, ऑनियन आपको चाहिए होंगे, लहसुन चाहिए होगा, टोमेटो चाहिए होगा और बारीक कटी हुई मिर्च। मसालों में आपको चाहिए होगा हींग, गरम मसाला, हल्दी, जीरा, नमक, लाल मिर्च और आपको ऑयल यूज करना है या आप सरसों ऑयल भी यूज कर सकते हो या रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। और आपको चाहिए होगा गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता। तो आइए कढ़ाई गर्म होने को रख देते हैं ऑयल के साथ। अब हम इसमें सबसे पहले जीरा डाल देंगे। जीरा के ब्राउन होने पर हमें इसमें लहसुन डालना है। हमने लहसुन डाल दिया है। प्याज, मिर्ची, गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अगर आप ऑनियन नहीं यूज करना चाहते तो सिर्फ लहसुन का यूज भी कर सकते हैं, उससे भी काफी टेस्टी बनती है ब्रोकली की सब्जी। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आपने इसमें ब्रोकली डाल लेनी है। ब्रोकली की स्पेशलिटी है इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और विटामिन होते हैं, इसलिए ब्रोकली को ज्यादा पौष्टिक माना गया है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है ये। अब आपने इसमें बारीक कटे हुए आलू, गाजर और पालक डाल देंगे। ये वन ऑफ द काफी हेल्दी रेसिपीज में आती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक डाल लें। नमक की स्पेशलिटी होती है कि वो किसी भी सब्जी को जल्दी पका देता है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए। ढक्कन मैंने हटा लिया है। हल्का हल्की पक चुकी है आपकी सब्जी। अगर नहीं पकी हुई हो तो आप वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लाइक हाफ आप कटोरी। अब आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी रेड मिर्च। जो पेशेंट्स हैं वो मसाले और रेड मिर्च यूज ना करें, वो सिंपली ही खाएं। और अब हमने इसमें डालने हैं बारीक कटे हुए टमाटर। और भी अगर आप कोई मसाला डालना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो वाटर डाल के इसको पकने के लिए रख दें, चाहे तो ऐसे ही ढक के आप इसे पका सकते हैं। अब मैं इसे हटा ले रही हूँ। देखिए अब आपकी सब्जी बिल्कुल तैयार है। और अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे निकाल लेते हैं। धनिया पत्ता डाल के हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो ये रही ब्रोकली की रेसिपी, बिल्कुल तैयार है आपकी सब्जी। कैसी लगी आपको ये हमारी ये रेसिपी, सजेशन बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।